दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुन्हाना उपमंडल के यानी कि पुन्हाना शहर में पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 10 का वाक्य बताया जा रहा है। मामला जो है 18 तारीख का है। एक फौजी है जिसके घर पर ये लूटपाट का अंजाम दिया गया है और काफ़ी सामान गहने वो यहाँ तक कि उसका गन लाइसेंस वगैरह पूरी यानी कि बंदूक को ही कुछ अज्ञात आरोपी यहाँ से चुरा कर ले गए। आइए जानते हैं क्या क्या सामान गया है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मुबारक सर। तो मुबारक, ये जो आपके घर चोरी हुई है कब की वारदात है? सर मैं यहाँ से रनिंग करने के लिए 4:50 पर निकला था सुबह मॉर्निंग में। अच्छा। तो मैं अपनी सिस्टर को छोटी को छोड़कर गया था। उसके बाद में मेरी मम्मी आई थी यहाँ नमाज पढ़ने के लिए, लैट्रिन बाथरूम होकर वो अपने नमाज पढ़कर यहाँ से निकले। कौन कौन रहते हैं इस घर में? इसमें प्रेजेंट में मैं, मेरी सिस्टर था छोटी यहाँ जो सोए हुए थे। अच्छा। उसके बाद मैं सही सलामत छोड़ कर गया था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाद में नमाज पढ़ने के बाद मम्मी दूध काटने के लिए चली गई थी। वहाँ से मेरे पापा और मैं आए थे रनिंग करके। मैं 5:30 तकरीबन आ गया। हमने गेट खोला, दोनों पापा बेटों ने अंदर देखा तो अंदर हमें अपने सामान इधर उधर खाला देखा। ये देखा कितने बजे आपको कब पता चला था? हमें 5:35 पर पता चल गया था इसके बारे में। अच्छा, क्या क्या सामान गया है? हमारे जी उसमें जेवरात रखा था, मतलब 3 तो हंसलियाँ थी, 2 तोला की और 4 तोला की चूड़ियाँ थी और 2.5 तोला गुलीबन था और 2-1 किलो चांदी थी। 7-17 हज़ार रुपये थे हमारे उसमें। और पापा जी की एक गन थी लाइसेंस की, वो भी निकल गई। आपके पापा जी की लाइसेंस की? जी, उसको भी ले गए। उसको भी ले गए विद लाइसेंस के? नहीं, लाइसेंस है प्रेजेंट में हमारे पास मिल गया लाइसेंस तो, लेकिन बंदूक को ले गए। बंदूक को ले गए पासबुक ले गए और आईडी पेंटिंग कार्ड ले गए आर्मी वाले। तो आपने जो है शिकायत पुन्हाना सिटी चौकी में इसकी दे दी होगी, पुलिस ने इस पर मामला भी दर्ज कर लिया है, क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं इसकी पूरी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ जो भी हुआ जो वारदात, इसके लिए हम पूरे तैयार हैं इसी तरीके से, लेकिन बशर्ते कि इसका हक अदा किया जाए जैसा भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि पीड़ित परिवार बार बार सिटी चौकी पुलिस पुन्हाना से न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि एक फौजी के घर में जो इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देना, उसका लड़का जब यानी कि जॉगिंग के लिए गया हुआ था और जैसे ही घर आकर देखता है तो यहाँ पर जो घर का अलमारी रखी थी और संदूक वगैरह थी जिसके सरेआम पे कुछ अज्ञात बदमाश कहें या चोर कहें वो लोग तोड़ के चले जाते हैं और कीमती सामान जेवरात वगैरह कुछ पैसे भी थे, कुछ जेवरात थे, उनको लेकर यहाँ से यानी कि फरार हो जाते हैं। हद तो तब हो गई जब यहाँ यानी कि एक लाइसेंस की जो फौजी साहब के नाम से एक बंदूक थी उसको भी लेकर बंदूक को चुरा ले गए यानी कि अज्ञात लोग। हालांकि पुन्हाना सिटी चौकी पुलिस ने इस मामले में जो है अज्ञात के खिलाफ 4-5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, ना ही पुलिस ने इस मामले की किसी प्रकार से अभी कोई जांच की है। हम आपको दिखा दें कि हमारे साथ हैं मुबारक, जो है इसी घर की जो घटना आप बता रहे हो, इसी घर में आपका सामान जी सर रखा है, तो कहां कहां जो है इस तरीके से? सर इस बेड पर मैं 4:50 में इसको छोड़ गया था। अच्छा। और इसके बाद में सर मैं आया था, मैंने देखा कि मेरा सामान फैला हुआ, मैंने ये किसने फैलाया, तो फिर मैंने इसको देख के मैंने चलो कोई बात नहीं, फिर उसको देखा मैंने लॉकर में जेवरात रखा था, पैसे रखे थे सर, सब गायब हो चुके। फिर उसके बाद मैंने इधर तलाश किया, उसमें से गन निकली हुई थी संदूक में से। संदूक में से गन निकली, नीचे रखी हुई थी कपड़ों के अंदर। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सारा जो है जूम करके एक बार दिखा दीजिए सारा सामान जो फैला हुआ है जो इस घर में, यानी कि सही बात कहें कि सुबह सुबह डकैती यानी कि इस परिवार के घर में डली है और बड़ा रूप इस तरीके से। एक और तो यानी कि मेवात पुलिस जो क्राइम अपराध दूर करने की बात करती है, वही सबसे बड़ी बात यह कि उनकी सिटी चौकी में तैनात एक जो है पुलिस कर्मचारी के घर पर इस तरीके से सरेआम पर जो डाका डाला गया है, यहाँ तक यानी कि काफी जो सामान लूट लिया गया है और हंसली वगैरह जो है गुलीबंद वगैरह और सोने के कुछ कीमती जेवरात और यहाँ तक कि उसकी गन को कुछ लोग चुरा के ले गए। इसी घर के और अन्य सदस्य भी हमारे साथ हैं, जो एक महिला हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है इस मामले को देखकर, इतनी बड़ी लूट डकैती को देखकर कि भाई इस तरीके से सरेआम पे जो है डाका डाला गया है इनके घर में। आइए करते हैं कुछ खास बातचीत, कब का ये वाकया है और किन लोगों ने इसको अंजाम दिया है आपकी नज़र में, यानी कि कोई भी इस वारदात को अगर यहाँ पे भी ये वारदात सरेआम पे किसी के घर पे डाका डालना, जी कब की घटना है?
घटना भाई फजर से पांच नमाज पढ़ के गई हूँ, दोनों कमरा में बिस्तर लगा के गई हूँ, अलमारी में धर धर के सब जब गई हूँ, दाड़ो दबाई हूँ, ऐसे को बड़ी गई हूँ, तो मैं तो गई हूँ रोज नहीं भाई तू मैंने तो तीन रोज फांस ले गई तो रख कर रखी, एक कहूँ की एक छोरी की एक मेरी खुद के नाड़ में भी और एक छरी को गुली बन गए और किलो को कड़ा गया और ये बन गए एक तीन लोग कई पैसा गए छरी है कुमार है छोटी छोटी कुमार। पुलिस ने अब आपकी शिकायत पे जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या चाहते हो आप भाई? हम तो यार चाहूँ मेरे तो हाँ चाहिए पकड़ना चाहिए, यानी कि आपको न्याय मिलना चाहिए। न्याय होना चाहिए, न्याय ना हो मेरे कार्य के लिए कोई खटको ना हो, 15-20 साल हो गए हुए मेरे सोच ना सुनता हूँ, मेरे तो पहले सोच के करवाए काम को गिरवाए चोरी ना काम को गिरवाए पहले तरह चुस्सू बस पीड़ित परिवार ने जो है इस कतर अपना दुखड़ा रो रहे हैं। और रही बात ये कि एक जो देश का जवान पहले तो देश की सीमा पर अपनी नौकरी दे चुका है, वहां से यानी कि रिटायर्ड होने के बाद में आज यानी मेवात पुलिस में एसपीओ के पद पर तैनात है, जिसकी ड्यूटी सिटी चौकी कुनाना में ही लगी हुई है, तो उसके घर पे सरेआम पर इस तरीके से जो है कुछ कीमती जेवरात वगैरह चुरा लिए गए। हालांकि कुनाना सिटी चौकी पुलिस ने इस मामले में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है अभी तक, लेकिन पुलिस की चंगुल से सभी आरोपी दूर हैं। और हम चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई से जांच करें। पीड़ित परिवार बार बार मेवात कुनाना सिटी चौकी पुलिस से न्याय की गुहार लगातार नजर आ रही है।